भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कांग्रेस के बिग बॉस। जी हां, एक बार फिर साबित हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है कांग्रेस के सबसे बड़े नेता। जिस तरह कांग्रेस पार्टी हरियाणा में गुटबाजी का शिकार रही है, ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो जब चाहे कांग्रेस में अपना दम दिखा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के हर बड़े चेहरे ने अपने उम्मीदवार को टिकट दिलाने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट दिलाने को लेकर हरफन मौला अंदाज में रहे। कांग्रेस में जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक दल की नेता किरण चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जैसे बड़े नेता मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर कांग्रेस के बड़े चेहरे केवल अपनी टिकट तक ही सीमित रहे और प्रदेश में अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में असफल रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से अपनी रोहतक से अपने बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा की, करनाल से अपने खासम खास पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की व कुरुक्षेत्र से अपने चहेते पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को लोकसभा की टिकट दिलाने में सफल रहे। इससे पहले जिस तरह 4.5 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप रहे और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कांग्रेस पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, इससे सिद्ध होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस पार्टी के बिग बॉस होने के साथ बड़े नेता हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ऐसे चेहरे हैं जो 4 लोकसभा की टिकटें लेने में कामयाब रहे हैं। K9 मीडिया के लिए राजेंद्र कुमार के साथ अरुण दोहन की ब्यूरो रिपोर्ट।